केरल डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल स्टाफ की पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार जैकर और लुटेरे को गिरफ्तार किया। इनके पास से पिस्टल, देसी तमंचा, लूट गई कार और चाकू और लूटे गए सामान को बरामद किया गया। गैंग का मास्टरमाइंड रोहित उर्फ छोटू है, जो पहले से 60 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। इसके ऊपर हत्या के प्रयास, घरों में चोरी, आम फैक्ट के मामले चल रहे हैं, जबकि इसका साथी अनिल उर्फ रोहन भी 8 मामलों में शामिल है। इसके ऊपर हत्या के प्रयास, घरों में चोरी के मामले शामिल है। 3 बजे के आसपास डीवीजी रोड थाना के इलाके से एक गाड़ी को छीने जाने की इन्फॉर्मेशन आई। एक कार जैकिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, जिसपे कि हमने रॉबरी का केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें ये पता चला कि कुछ लड़के एक i10 गाड़ी में आकर इस कंप्लेनेंट के स्विफ्ट कार को लूट कर ले गए। उन्होंने इस वारदात में वेपन को दिखाया था कंप्लेनेंट को डराने के लिए। तो इस पे जब काम करना स्टार्ट किया गया 7 तारीख को सुबह से, और फर्दर इस पे CCTV और बाकी टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करना शुरू। DCP एम हर्षवर्धन ने बताया कि 7 अप्रैल को देश बंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र में आधी रात कार लूट का फनफनी खेच वारदात हुई थी। उसके बाद पता चला कि यमुना इलाके में लक्ष्मी नगर में 24/7 में की लूट की वारदात की गई थी। उस वारदात में DBG रोड से लूट की स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया था। ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मी नगर इलाके में एक 24/7 स्टोर में एक रॉबरी रिपोर्ट हुआ कि 3 लोग दुकान के अंदर घुसकर दुकान वालों को पिस्टल और चाकू से डराकर रॉबरी किया है। और जब फर्दर उसमें देखा गया तो जो स्विफ्ट गाड़ी यहाँ से लूटा गया था, उस गाड़ी का प्रयोग उस रॉबरी करने के लिए किया गया। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज की जांच शुरू की, टेक्निकल प्रविलांस और लोकल इन्फॉर्मेशन की मदद ली, और जिसके बाद रोहित उर्फ छोटू को पहचान की गई। उसके बाद पुलिस टीम कई जगह रेड की और एक बार एक एक करके गैंग के 4 बदमाशों को दबोचने में कामयाब हुई। आए थे यहाँ पे स्विफ्ट की गाड़ी पर रॉबरी किया था जिन्होंने, वो चोरी का था अमर कॉलोनी थाने से। तो इस तरह 3 इंसिडेंट सामने आए। तो इन सारे जो क्लूज थे इन सब जगह पे, इन सब पे काम करते हुए और टेक्निकल और मैनुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम करते हुए स्पेशल स्टाफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला इसमें रोहित अलियास छोटू, जो कि मदनपुर खादर सरता विहार एरिया का रहने वाला है, 31 साल का है। इस पे पहले 62 मुकदमे पहले से हैं। ये डेस्परेट क्रिमिनल है। 2019 में एक वसंतपुर साउथ में रॉबरी में इसको गिरफ्तार किया गया था, और 5 साल बाद 2024 में इसी साल जनवरी में वो जेल से छूटकर बाहर निकला। और पहले भी इसने इसी तरह के स्पेट ऑफ रॉबरीज किए हैं, और अभी भी इसने फिर ये आर्म रॉबरीज किया। उसके साथ एक दीपक नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जो कि 25 साल का है और जिसका दिल्ली में एड्रेस रंजीत नगर एरिया का है।